का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। चलो भाई अब तो जाओ। हेलो बजाज, कितने आजाद किए आज। इतना खुश मत हो यार, घर पहुंचते ही ना जाने कितने और मिलेंगे। ये क्या सब, पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गए। हाँ मैं यहाँ से आई थी, उनको देखा अभी बेहोश पड़ी है। लेकिन ये अंदर आई कैसे। हम तो सारी रात सोए नहीं साहब, जाने कैसे ये अंदर आ गई। अच्छा लो चलो चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, मतलब हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो डरो नहीं, डरो नहीं, रिलैक्स। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, हैं कौन है आप, हैं बस 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 कम ऑन, लेट्स हैव अ कप, कम ऑन कम ऑन रिलैक्स। चल उठो, यस हमारा दरबान भी हैरान था कि आप कब और कैसे यहां दाखिल हुई। आप बहुत थक गई हैं, जाने से पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। जैनी आप भी नाश्ता हमारे साथ करेंगी, लेकिन उससे पहले आप चेंज तो करना चाहेंगी ना। मेरे पास तो कोई बात नहीं, उसका इंतजाम हो जाएगा। जैनी इन्हें अपने साथ ऊपर ले जाओ। हाँ जी। मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ। लेकिन आपने तो कोई फरमाइश नहीं की, जाइए। थैंक यू। जैनी तुमने पूछा भी क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। पूछा था, बोली जो भी होगा वो खा लूंगी। मुझे तो बहुत अजीब लगती है। जैनी कोई और कपड़े नहीं मिले थे। और दूसरी कपड़े की चाबी भी तो आपके पास थी ना। ओहो तो मांग ली होती। खैर आप इनमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मुझे आप मत कहिए। लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। वैसे तो मैंने भी नहीं बताया, मेरा नाम अश्विनी बजाज है। गुड मॉर्निंग अश्विनी। आओ। इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए मुझे इनका इंट्रोडक्शन दो। ये मेरा नाम राधा है। बहुत अच्छा नाम है, थैंक यू। हाँ भाई ये रहे तुम्हारे कागज और ये मैं चला। अरे भाई नाश्ता करके जाओ। नहीं भाई कोर्ट में देर हो रही है। अरे हाँ तुम्हारे घर के आगे पीछे कुछ गुंडा किस्म के लोग घूम रहे हैं। हाँ?
पता करके पुलिस में चला। ओके नाश्ता कर लो राधा, ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा था जानी? राधा को ऊपर ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आओ राधा। रात बाहर ओस में सोया है। तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? इसका नाम राधा है, इसके सिवा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बेटी तुम कहां से आई हो? जानू से। जान साहब, इसे ग्लूकोज पे रखना होगा। अरेंज कर दीजिए फोन का। ठीक है, मैं राधा फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जैनी यहां रहेगी तुम्हारे पास रात को। हाँ। नहीं मिली यार, आखिर वही क्या होगा यार, कितने फांस ली होगी इसे, आखिरी कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगी। हाँ, अब उसके लिए सिर्फ सूप ही बनाना है या कुछ और भी? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लड़की है कौन। लेकिन तुम्हारी समझ में ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि तुम लोग सब उसका इतना ख्याल जो रख रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, हम क्यों उसका इतना ख्याल रख रहे हैं? किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह है, जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। अगर मिस्टर बजाज ऐसे होते तो आज से पहले क्यों किसी पे बुरी नजर नहीं डाली? किस पे डालते? अरे बुरी सूरत में तो बुरी नजर डाली नहीं जा सकती। ज्यादा बकबक मत कर, देखी है आपकी शक्ल आईने में, और लाओ मेरा सूप। बन जाएगा तो देता हूँ। बजाज साहब, राधा को अब इसकी जरूरत नहीं, वैसे कमजोरी काफी है, कुछ दिन इनको आराम करना होगा। आप मेरे साथ बाहर आइए। बजाज साहब, राधा को भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे आप मिल गए, वो अभी तक जिंदा है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। तुमने सुना राधा, डॉक्टर ने क्या कहा? यू आर वेरी सिली, जानती हो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, इतने दिनों से खाना नहीं खाया, रात भर ओस में बाहर पड़ी रही, बैल बजा दी थी। आप समझते हैं ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया? अपनी मर्जी से भूखी रही, अपनी मर्जी से आपकी चौखट पे पड़ी रही, कोई अपनी मर्जी से मरने के लिए तैयार नहीं हो जाता। कुछ तो कसूर होता है अपना भी। कुछ नहीं, सारा कसूर मेरा है, मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि आप लोगों की हमदर्दी पा सकूं। अरे अरे,
इतना गुस्सा क्यों? चलो ये पॉरिज खा लो। नहीं चाहिए मुझे पॉरिज, नहीं चाहिए मुझे कुछ खाना। क्यों कर रहे हैं ये सब आप मेरे लिए? क्या चाहिए आपको मुझसे? राधा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी पंछी के कटे पंख का इलाज करके उसको पिंजरे में डाल दें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि पंछी का इलाज हो जाए और वो अपने आशियाने की तरफ उड़ जाए। लेकिन फिर भी अगर तुम ये सोचती हो कि मुझे तुमसे कुछ लालच है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई खोट है, तो तुम अभी जा सकती हो। चलो जी, नहीं इसे अकेला छोड़ दो और फैसला करने दो। अब रुक जाइए, अब तो खाली वापस क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ और भी काम है राधा। सुनिए, मैं कुछ दिन और यहां रुक सकती हूँ। जब ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। जेनी, अपने घर फोन कर दो कि जब तक राधा यहाँ है तो यहीं रहोगी। जी बहुत अच्छा। कोई भी पहन लो। ये किसके कपड़े हैं? मिसेस पजाज के। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर पजाज बुरा नहीं मानेंगे? उन्होंने खुद ही तो मेरे को चाबी दिया। जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। हाँ राधा का नाश्ता कमरे में ही दे दिया होता। जेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर बजाज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह दैट्स सो नाइस। थैंक यू। साहब साहब, वो छोकरा फिर आया है। कौन छोकरा? वही खरगोश वाला। अच्छा, उसको इधर लाओ। अच्छा साहब, आइए राधा। अंकल अंकल, मैं इसे आपके बगीचे में घास खिला दूं? क्यों, आपके घर में लॉन नहीं है? मेरा मतलब है घास नहीं है। नहीं अंकल, हम तो फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, फ्लैट में रहते हो तो फिर खरगोश क्यों पाला है? अच्छा अच्छा, खिलाओ घास, लेकिन देखो मेरे पौधे मत खिलाना। थैंक यू अंकल। आप पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हैं। ओह आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, आई लव म्यूजिक। अच्छा हाँ। क्या तुम भी बजा लेती हो पियानो? हाँ थोड़ा थोड़ा। Thank you.
जूते मत पहन के आए। अच्छा गाड़ी में छोड़ देते चल। हाँ। हेलो बजाज। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं तुम्हारे पंची? ठीक हैं। ओके। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं क्यों? ये कह रहा था ना, पूछ रहा था आपसे कि आपके पंची कैसे हैं। हाँ। आप भी उस दिन कह रहे थे ना कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं। हाँ कभी लोग अपने पेट्स लेकर आ जाते हैं या कभी कोई जख्मी पंछी रास्ते में मिल जाता है तो उनका इलाज कर देता हूँ। You are wonderful. Mr. Bajaj, मेरा ख्याल है अब मुझे राधा के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं। She is fit and perfect. No medicine, no tonic. She can have normal food. Thank you. Good day. Thank you, doctor. See you in the club. Of course. जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। राधा आज लंच में क्या खाओगी? आज लंच मैं अपने घर जाकर करूंगी। मैं तैयार होके आती हूँ। जेनी ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वो जा रही है और आज तक आपने ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है? जानबूझकर नहीं पूछा जेनी। क्यों? जब आदमी अपने आप को जानकर काम चाहता है तो दूसरे को जानने की हिम्मत नहीं रहती। हुई जब दोस्ती शुरू तो वक्त ने कहा जाने को, परवास कर जाएगा पंछी अपने आशियाने को। जेनी ड्राइवर को कहो राधा जहां भी जाना चाहे छोड़ आए। मैं बहुत दूर रहती हूँ मिस्टर बजाज। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बॉम्बे में नहीं पूना में रहती हूँ मिस्टर बजाज। पूना ज्यादा दूर नहीं है, ड्राइवर छोड़ आएगा। मिस्टर बजाज मैं राधा को छोड़ के आऊं। As you wish. Thank you. Bye bye. चलो बैठ गाड़ी रोको। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज भी है, दर्द सन्नाटे दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा।